पूर्व सीएम और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अमेठी सांसद स्मृति ईरानी पर निशाना साधा। कहा कि अमेठी की बीजेपी सांसद सिलेंडर वाली सांसद है। होली आ गई है लेकिन गरीब को सिलेंडर नहीं मिला। आज चीनी, आटा, रिफाइंड सभी कुछ महंगा है। किसानों को आलू की कीमत नहीं मिल रही है। बीजेपी ने किसानों को बर्बाद कर दिया है। किसानों की आय दुगनी करने की बात कह रहे थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। महंगाई बढ़ गई। बीजेपी कहती है कि सिर्फ 4% बेरोजगारी बची है लेकिन किसी गांव में देख लीजिए कितने बेरोजगार हैं। बस का किराया भी बढ़ा दिया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं वे सभी अमेठी को जानते हैं। मैं पहले भी अमेठी आ चुका हूँ। मैं जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अमेठी में सपा को चुना और विधायक बनाया। प्रदेश के हालात आपसे छिपे नहीं है। उन्होंने कहा कि आज की महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। अगर गरीब है तो इस सरकार में उसे न्याय नहीं मिल सकता। विपक्ष ने जो भी सवाल उठाया उसके जवाब नहीं दिए गए। बीजेपी को एक साथी उद्योगपति का 20 लाख करोड़ से ज्यादा और LIC और स्टेट बैंक का पैसा डूब गया और जनता जानना चाहती है जिसके कारण पैसा डूबा उन पर कार्रवाई होगी या नहीं। आसपास का क्षेत्र ये तो बीजेपी का जीता हुआ है। सुल्तानपुर से कौन एमपी है? बीजेपी पे एक एमपी है। यहाँ से एमपी कौन है? बीजेपी के एमपी है। वही बीजेपी की एमपी जो सिलेंडर लेकर के चलती थी, सिलेंडर वाली एमपी, आज बताओ सिलेंडर की कीमत क्या है? त्योहार आ गया, त्योहार पे इन्होंने वादा किया था कि सिलेंडर फ्री बांटेंगे। पिछली होली चली गई, ये होली भी जा रही है, अभी गरीब को सिलेंडर नहीं मिला। और जब त्योहार आया तो सिलेंडर की कीमत क्या हो गई? चीनी आपको बहुत सस्ती मिलेगी, न जाने कितने रुपए में बताया गया था कि चीनी सस्ती मिलेगी। बताओ आज चीनी अगर बाजार में लेने जाते हो तो उसकी कीमत क्या है? चीनी की कीमत क्या है बाजार में? आटे की कीमत बाजार में क्या है? रिफाइंड तेल की कीमत बाजार में क्या है? दालों की कीमत बाजार में क्या है? और हमारा किसान अगर आलू पैदा कर रहा होगा तो आज आलू की कीमत उसको नहीं मिल रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा बुलडोजर किसी समस्या का समाधान नहीं है। इस देश के संविधान से चलना चाहिए। बिना समाजवाद के सबको बराबर देखना कैसे संभव है? सड़कों पर सांड घूम रहे हैं, ये सिर्फ 40 लाख करोड़ का सपना दिख रहा है। कारखाने लगाने वाले उद्योगपति यहां से फरार हो गए हैं। अखिलेश ने कहा कि हमारा गठबंधन सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने पर कहा कि जिससे गठबंधन है उसी के साथ 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। अखिलेश ने कहा कि गायत्री और उनके परिजनों के साथ अन्याय हुआ है, हमें उम्मीद है कि न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा। अखिलेश ने अपनी ही पार्टी के गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह पर तंज कसा। कहा कि ये उनसे पूछिए कि वो मुख्यमंत्री से मिलने जाते तो हैं, सड़क क्यों नहीं बनवा पा रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की बेटी की शादी में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव गौरीगंज तहसील के जोधपुर मंडवा गाँव पहुँचे। वहाँ उन्होंने सारस से दोस्ती कर मशहूर हुए आसिफ से मुलाकात की। आसिफ और सारस की पक्षी की गहरी दोस्ती की कहानी जग जाहिर है। आसिफ से मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि सारस पक्षी की महत्व को लेकर आपने अच्छा संदेश दिया है।